हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहा यानी चूरे का बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करारा नाश्ता। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने वाली है जो सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रभाव डालेगी, और बच्चों को घर में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बच्चे घर में कभी टिकेंगे जब आप उनको बहुत ही चटपटा और कुरकुरा करारा नाश्ता बना बनाकर खिलाएंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा बच्चों की फेवरेट होने वाली है। बच्चों को बनाकर खिलाना, वो खुश हो जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इसमें बहुत ही कम चीजें इस्तेमाल की है। जो चीजें इस्तेमाल की वो आपको आसानी से घर में मिल जाएगी, बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास पोहा ना हो तो आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पोहा हो तो इसे पोहे से बनाना काफी क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पोहा। जो पोहे का सिलेक्शन करना है, थोड़ा सा मोटे वाले पोहे का लेना है। अगर आपके पास पतला भी होगा तभी काम चल जाएगा, लेकिन मोटा होगा तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैंने एक कटोरी लिया है, वेट नहीं मुश्किल से 5 ग्राम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और कम मात्रा में ज्यादा मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक कटोरी लिया है, इतना ही काफी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तो फ्रेंड, एक बड़े साइज का बर्तन लिया, उसके अंदर हमने छन्ना रख दिया है। अब इसके अंदर हम अपना पोहा डालेंगे यानी चूरा। आप इसे क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं तो इसे चूरा भी बोल लेती हूँ और पोहा भी बोल लेती हूँ। अगर इसका कोई नया नाम हो तो जरूर बताना, और साथ में ये भी बताया कीजिए कि कहाँ बोला जाता है, ताकि मुझे नॉलेज हो पाए कि हमारे इंडिया में किस किस चीज को कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है। अच्छा लगता है ना दूसरों की लैंग्वेज को सीखना, और हम सभी लोग भारतीय हैं तो हम लोगों को अच्छा लगना चाहिए एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे की भाषा को समझना, एक दूसरे के रहन सहन को जानना अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब वॉश करने के बाद हम इसका पानी चेंज कर देंगे, फिर इसके अंदर हम डाल के इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी कितना डालना है हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, अब हम इसके अंदर अपना डाल देंगे जो हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब इसके बाद हम इसे भिगोएंगे। तो भिगोने के लिए जितना पानी आप पोहे में डालेंगे उतना वो अच्छे से सोख लेगा, तो इसीलिए कम से कम पानी में भिगोना है इसे, इस तरह से, ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानी जाएगा, और अब हम इसे कवर करके रख देंगे। तो फ्रेंड, हम इसे कवर करके 5 मिनट रख देंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। तब तक चलते हैं गैस की तरफ, आगे का काम हम गैस पे करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए हैं गैस की तरफ, और एक पैन रखा है हमने, और इसे हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से हीट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन, जो वेट में मुश्किल से 2 ग्राम होगा, और बेसन को हम धीमी धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे, सॉरी भून लेंगे। और भूनना हमें ऐसे है, इसमें हमें ना घी डालना है ना बटर डालना है, इसे हमें ड्राई भूनना है, और 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जो भी पैन या बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए, और बेसन को भूनते समय आपको ख्याल ये रखना है गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और हाथ को रोकना नहीं है। 1-2 मिनट की मेहनत है। बेसन जब बहुत ही अच्छे से भुना होता है तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, और इस रेसिपी में सिर्फ 2 बड़े चम्मच बेसन की जरूरत है। अगर छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 चम्मच लग जाएगा। तो देखिए बेसन हमारा भुन गया है अच्छे से, हमें इसको कलर नहीं लाना है। अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे, तब आगे का काम करेंगे। इसका क्या इस्तेमाल है हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पे, ताकि फटाफट ठंडा हो जाए। अगर इसमें रहेगा तो ये ठंडा नहीं होगा जल्दी। तो फ्रेंड, बेसन को मैंने निकाल दिया, वो ठंडा होता रहेगा। जब तक ठंडा हो रहा है हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो एक पैन रखा है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और काफी क्रिस्पी बनता है। अब हमारा तेल हल्का सा गर्म हो गया, अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देंगे, और जीरे को हम तड़कने देंगे धीमी धीमी आंच पर, गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, और ऑयल मैंने कम से कम इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज की छोटी प्याज, जो हमारी थी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसको हम डाल देंगे कट करके, और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज जितने अच्छे से पकी होगी उतना ही अच्छा और टेस्टी हमारा नाश्ता बनेगा। तो प्याज को धीमी धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्याज में। तो फ्रेंड, 1 मिनट के बाद देखेंगे प्याज अच्छी से गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें हम 1 कटोरी डालेंगे पत्ता गोभी, जो हमने इस तरह से हल्का सा मोटा मोटा कट कर लिया है। पत्ता गोभी को हम 10 सेकंड तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, अभी तक हम लो फ्लेम पर पका रहे थे, अब हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो पत्ता गोभी है उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छे से निकल आए, और थोड़ा सा सब्जी हमारी स्मोकी से फ्लेवर लेकर आए। ये देखिए, इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 सेकंड ही हम इसे हाई फ्लेम पे करेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आएगी, वो है हमारे उबले हुए आलू, जिसको मैंने बॉईल करके ठंडे करके फ्रिज में लगा दिया था, ताकि 1 घंटे तक ये ठंडे हो जाए, ताकि ये जब ठंडे हो जाएंगे तो टाइट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे 2 आलू थे मीडियम साइज के,
और वेट नहीं है, मुश्किल से 20 ग्राम आलू है। आलू को डालकर हम अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मैंने हाथों से मोटा मोटा मैश करके डाला है। और इसको हम अच्छे से इस तरह से भून लेंगे ताकि आलू में जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। अब हमारा जो बेसन है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए बेसन डाल दिया है और बेसन को डालने के बाद हम अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। बेसन जो हमारा इसके अंदर जाएगा तो सारी नमी को सोख लेगा, तो बेसन डालना ज़रूरी है। बेसन डालने से आप इस रेसिपी को 10 से 15 दिन तक पूरा स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो बेसन डालकर हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आलू को इस तरह से चम्मच से प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे, क्योंकि हल्का सा मोटा मोटा मुझे लग रहा है, तो बढ़िया तरीके से हम इसे मिला लेंगे। तो देखिए सारा बेसन हमारा मिल गया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कितनी मात्रा में ऐड करेंगे आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट ऐड करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो आधा चम्मच नमक डालेंगे हम इसके अंदर। अब हमने काली मिर्च और सौंफ को भूनकर इस तरह से मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया, ये हम डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। आधा चम्मच गरम मसाला, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं, मैंने होममेड डाला है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच डाली है। आधा चम्मच चाट मसाला ताकि ये चटपटा बने। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से 1 से 2 सेकंड तक भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और बेसन के साथ हमारे जो मसाले वो अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह से धीमी धीमी आंच पे आप भूनेंगे तो मसालों में से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लास्ट में हम इसे 2 चम्मच डालेंगे फ्रेश हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, पानी को सुखा कर डालना है। और हरा धनिया डालने के बाद हम अच्छे से मिला देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फटाफट इसे ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपने पोहे यानी चूरे को चेक कर लेते हैं, वो अच्छे से फूल गया होगा, तो चलते हैं उस तरफ। तो फिर आइए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने जितना पानी डाला था वो अच्छे से सोख लिया है, पोहा हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैश करेंगे, आटे के फॉर्म में गूंद लेंगे। तो जब आप इसे इस तरह से दबाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगा। तो इस तरह से हल्का हल्का सा मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो ये गया हमारा आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला था इसीलिए कम नमक डालना है। और वापस से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगी, वो क्या है हम आपको बताते हैं। तो हल्का सा सरसों का तेल गर्म करके हम डालेंगे, तो चलिए गर्म कर लेते हैं। तो 1 चम्मच तक हमने सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना कर लिया, ये डाल देंगे और इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे काफ़ी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, वो क्या है हम आपको बताएंगे। कितनी मात्रा में डालनी है उतनी मात्रा में डालना, ज़्यादा मत डालना। तो फ्रेंड वो है हमारा चावल का आटा, जो हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच, 1, 2, ये गया 3, वेट में ये मुश्किल से 10 ग्राम होगा। नाप में बताऊँ तो एक छोटी कटोरी का हमने तिहाई हिस्सा इस्तेमाल किया है। अब इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको डालने से क्या होगा, जो पोहे की सारी नमी होगी वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और ये हमारा बिल्कुल आटे के फॉर्म में हमें इसका आटा लगा लेना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से जब आप मसलते जाएंगे तो देखिए इसमें बाइंडिंग कितनी अच्छे से आ रही है। तो अच्छे से मसल के हम इसका आटा लगा लेते हैं फटा। तो फ्रेंड इस तरीके से लगा लिया है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आप अपने हाथों को वॉश कर लेंगे फिर आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हमारी जो ये फीलिंग हमने बनाई थी ये ठंडी हो चुकी है। मैंने इसे हाथ से मैश कर लिया था ताकि सारी चीज़ें एकदम बराबर से हो जाए। ये देखिए रेडी हो चुकी है, अब हम आगे का काम करेंगे। अब हम एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे, आप चाहे तो चकला भी ले सकते हैं अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड ना हो। अब इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच तक सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड और घी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से हम इस तरह से ग्रीस कर देंगे ताकि जो हमारा ये पोहे का मिश्रण है वो चिपके ना। तो ये काम आपको। तो फ्रेंड ऑयल से ग्रीस करने के बाद जो हमारा ये था इसको हम इस तरह से मोटा मोटा सा शेप देंगे, यानी गोला सा बनाएंगे। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे और बेलन पर भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं फटाफट। तो इस तरह से हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये चिपके ना। और अब हम इसे ऐसे ऐसे बेलेंगे तो ये थोड़ा सा बिखरेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे रख के हम इसको वापस से बेल देंगे। ये देखिए इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हल्का सा पतला रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो एक गिलास ले लेंगे, इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये चिपके ना। और अब हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे, देखिए बिल्कुल आसानी से निकल रहा है ना, ये देखिए। और हमने कितना पतला रखा है हम आपको दिखाएंगे, इतना पतला रखना है। तो चलिए फटाफट से हम इसको इस शेप में बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। देखिए इतना मोटा रखा है, बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है और इतना ही रखना है आपको। बहुत ज्यादा ना मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, इस तरीके से इसकी मोटाई होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इम्पोर्टिंग काम करेंगे। तो फ्रेंड ग्रीन चटनी ली है, ये हमारी तीखी वाली ग्रीन चटनी जिसमें मैंने पुदीना, धनिया, थोड़ा सा मिर्च, लहसुन, अदरक डाल के बनाया है, नमक डाल के। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, ये सिंपल सी चटनी है और इस तरह से हम इस पर चटनी लगाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी, हम एक से दो दो बूंद चटनी इसकी तरह से डालकर सारे में फैला लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम चटनी लगा लेते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो फ्रेंड चटनी हमें पांच में लगानी, पांच में नहीं लगानी। अब हमारी जो स्टफिंग बनके रेडी हो चुकी थी, इसको हम इस तरह से लेंगे और छोटे छोटे इसके बॉल बना लेंगे और इस तरह से फ्लैट कर देंगे और इसके ऊपर रखेंगे। फिर इसके बाद हम ये वाले भाग में भी चटनी लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं चटनी। चटनी लगाने से क्या होगा, ये अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आपके पास चटनी ना हो तो आप केचप भी लगा सकते हैं, अगर चटनी नहीं बनाना चाहते। और इस तरह से हम इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर देंगे। तो ये तैयार हो चुका है, इसी तरह अपने सारे तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड पांच हमारी बन चुकी है, एक हमारा बच गया था, एक्स्ट्रा हो गया, तो हम इस पर थोड़ी सी चटनी डालेंगे। और जो हमारी आलू लास्ट की बची हुई है, इसको हम इस तरह से बीच में फिल करेंगे और इसकी हम एक पोटली बना लेंगे इसको फिल करते हुए। तो आप इसे इस शेप का भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी। अगर आप दो नहीं करना चाहते तो इस तरह से हल्का हल्का सा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा लास्ट में एक से बना है, तो इसको हमने गोल बना दिया। तो ये रेडी हो चुका है, अब हम आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने रख दिया है, आप चाहे तो फ्रिज में भी लगा सकते हैं, जब आपका मन हो आप इसे बना सकते हैं। अब हम आगे का काम करेंगे और एक वही बर्तन लेंगे जिसमें हमने पोहे को किया था। अब इसमें हम डालेंगे मैदा 4 चम्मच। तो फ्रेंड 4 चम्मच मैदा लेंगे, जो वेट ने मुश्किल से 5 ग्राम है। 1 कप पानी डालेंगे इसके अंदर नाप के, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। और इसका हम एकदम बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनाएंगे जो बिल्कुल पतला होना चाहिए। तो 1 कप पानी डालना है 4 चम्मच मैदे में। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, अरारोट का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसको बिल्कुल हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने अच्छे से फेंट लिया है, लम्स फ्री बना लिया। अब हम इसको चेक करने के लिए ऐसे हम चम्मच डुबोएंगे। अगर इस पर कोटिंग चढ़ रही है ये देखिए, तो समझ जाइए आपका बैटर ठीक है, बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम आगे का काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे ताकि ये फूल जाए। फ्रेंड इस तरीके से मैंने निकाल लिया इसे छोटी प्लेट पे और ये देखिए मोटा मोटा सा रखा है। आपको भी मोटा मोटा रखना है, दरदरा सा। अगर आप इसे फाइन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से हो गया है रेडी, अब हम आगे का काम करेंगे। तो जो हमारा बैटर था वो फूल चुका है। तो फ्रेंड ये देखिए, बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है और अब हम इसको ले लेंगे और इसे बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक उठाएंगे और इसको हम हल्का हल्का सा इस तरह से कोट करेंगे, बिल्कुल पतली लेयर हमें इसकी लगानी है। फिर इसको हम ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मक्खियों को भगाने के लिए क्या करें। हमारा मक्खियों ने बिल्कुल जीना हराम कर रखा है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। कई बार तो मेरा मूड भी नहीं करता, इतना अपसेट हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी वीडियो जो लोग देखते होंगे वो लोग क्या सोचते होंगे कि इनकी वीडियो में मक्खी आती है। लेकिन डियर मैं क्या करूँ, मैंने सारा उपाय अपना के देख लिया, मुझे बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस तरह के ये थे मैंने कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से कोटिंग करनी है। और अगर आप मेरी रेसिपी में फोकस करेंगे तो आपको ये बातें बड़ी नहीं लगेंगी। अगर आप फिर भी थोड़ा सा माइंड करेंगे तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस तरह से हमने कर लिया है इसकी कोटिंग। तो चलिए दूसरा वाला भी कर लेते हैं। इस तरह से हमें डालना है बिल्कुल हल्के से और इसे हमें हल्का हल्का सा कोट करना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कोटिंग लगाने से ये अच्छे से लॉक हो जाता है और इसका रिजल्ट और लुक बहुत प्यारा आता है, ये देखिए। तो चलिए सारे बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी डियर। तो फ्रेंड इस तरीके से बना लिया, आप इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं, जब आपका मन हो निकाल कर बना लीजिए। बहुत ही अमेजिंग से मैंने कोटिंग चढ़ाई है। अब इसे 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर बनाएंगे। तो 2 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ एक पैन रखा है, हमने भर के तेल नहीं रखा है। मैं इसे स्लो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे, फिर इसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। तेल हुआ है या नहीं आपको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो इस तरह से हथेली को रखिए, अगर आपकी हथेली पे हल्की सी गर्माहट लग रही है तो समझ जाइए आपका तेल हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, जो बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए, और इस तरह से डालेंगे, थोड़ी सी दूरी दूरी पे डालेंगे। अगर आपका पैन छोटा हो तो आप इसे 2 बैचेस में बना सकते हैं। और ये वाला हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे और हम इसे ऐसे कर देंगे। अब इसे 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे।
जो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम से थोड़ा सा हाई होना चाहिए ताकि ये कुरकुरा क्रिस्पी बने, क्योंकि पोहे को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। स्टफिंग आलू की पकी हुई है, सिर्फ 2 मिनट तक हम इसे मीडियम से थोड़ा सा हाई रखेंगे और पकाएंगे, फिर इसके बाद चेंज कर देंगे साइड को। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइडों को बदल देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, प्यारा सा कलर आने के लिए थोड़ा सा हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है, लेकिन बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से साइड बदल दिया, दूसरे साइड से भी हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, आइए दूसरे साइड से देखते हैं। ये देखिए दूसरे साइड से इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, दोनों साइड हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ये देखिए अब इसे हम निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा इस पर डालेंगे, थोड़ी देर ऐसे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए और फिर हम इसे रख देंगे। तो ये देखिए कितने मज़े के बने हैं, कितने कुरकुरे और करारे हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं आलू के अलावा, इसमें पत्ता गोभी तो हमने डाली है, आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, गोभी भी डाल सकते हैं और इस तरह से थोड़ी देर रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी है, डालने पे ही पता चल रहा है कितने क्रिस्पी है। तो इस तरह से हम थोड़ी देर रखेंगे इसे और चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये अमेजिंग सा नाश्ता, देख लीजिए कितना कुरकुरा है और सारे ही साइड से ये क्रिस्पी हुआ है, अच्छे से कुक हुआ है। इसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ जो मैंने इसके अंदर लगाई थी, जो इसमें मैंने क्या क्या डाला है आपको बता दिया है। बहुत ही बेसिक चटनी है, आप इसे केचप के साथ, चाय के साथ या फिर ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है, कुरकुरा है और लगेगा बिल्कुल मार्केट से बनाया है यानी मंगाया है और बिल्कुल क्रिस्पी और करारा बनता है। और इसका जो ये वाला है, ये वाला भी शेप आप देख लीजिए कितना बढ़िया है, कितना कुरकुरा बना है। अच्छे से फ्राई करना है, फ्राई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं करनी चाहिए। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट फ्लफी और काफ़ी अच्छा है, स्पंजी है। इस तरीके से जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं इसे ग्रीन चटनी के साथ खा रही हूँ, आप इसे केचप के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ दिखा सकते हैं। पोहे का होने की वजह से अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी होता है और बहुत ही करारा और क्रिस्पी बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे इंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, बच्चों को बनाकर खिलाइए और बाहर निकलने से उन्हें रोकिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर पर बच्चों का ही सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो बच्चों को सेफ रखना जरूरी है। बाय, लव यू ऑल, बाय।